बागेश्वर के कोविड अस्पताल में भर्ती अंतिम कोरोना पॉजिटिव मरीज के डिस्चार्ज होते ही बागेश्वर जिला कोरोना मुक्त हो गया है। जिले में कुल 93 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें से एक मरीज की मृत्यु हुई, जबकि 92 लोगों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल और जिले में बने कोविड अस्पताल में उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। जिले में कोरोना का पहला मामला 19 मई को आया था। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने रेड जोन से आने वालों को संस्थागत क्वारंटीन करने की व्यवस्था शुरू की। 5 जुलाई को दिल्ली से लौटे एक युवक का सैंपल पॉजिटिव आया था, उसे भी इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने कहा कि भले ही बागेश्वर जिला कोरोना मुक्त हो गया हो, लेकिन अब जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। उन्होंने अधिकारियों को लापरवाही न बरतने और रात के समय आने वाले बाहरी लोगों की विशेष जांच और डाटा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, अभी तक जिले में सबको पता है 93 हमारे पॉजिटिव केस आए हुए थे और उसमें से अनफॉर्चुनेटली एक डेथ हुई थी और 92 लोग जो एक्टिव थे वो सभी रिकवर हो चुके हैं आज की डेट में। तो इट मीन्स अब आज की डेट में हमारे जिले में कोई भी एक्टिव केस नहीं है। कोविड अस्पताल हमारा फ्री हो चुका है, थैंकफुल। लेकिन अभी मैं ये भी साथ में कहना चाहूँगी कि सभी को अभी भी बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अभी भी लगातार हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं और हमारे कुछ सैंपल जो एक दो दिन के पेंडिंग भी है, तो अभी हम ये पूरी तरह से नहीं कहते कि आगे केस नहीं आ सकता है, तो आगे भी केस आने की गुंजाइश कहीं ना कहीं ज़रूर है। तो इसके लिए सभी को सावधानी बरतनी है और किसी को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है।